बारिश में मकई खाना सबको बहुत अच्छा लगता है, तो आज हम स्वीट कॉर्न फीटर बनाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि डीप फ्राई ही आप इंजॉय करें, आज हम इसको बिना डीप फ्राई किए हुए भी बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस स्वीट कॉर्न फीटर बनाएंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। दो यहाँ पर हमने ये स्वीट कॉर्न लिए हुए हैं, इनको हमें जो है ना 50% तक बॉयल कर लेना है, पूरा फुल डन हमें नहीं करना है, 50% तक हमें पकाना है। अगर आप स्वीट कॉर्न के दाने लेकर आ रहे हैं बाज़ार से, तो उन्हें भी आपको इस तरीके से हाफ डन कर लेना होगा। तो ये देखिए बॉयल आना शुरू हो गया है, हम सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे और निकाल करके हम इसे ठंडा कर लेंगे। तो चलिए, हमने फ्लेम ऑफ़ कर दिया था और ये देखिए ठंडे भी हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, इनको फटाफट से जो है ना कट करके इनके सारे दाने निकाल लेते हैं। ये देखिए, घर में जो भी नाइफ़ आपके पास में है उससे आप इजीली इस तरीके से इसके दाने निकाल सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से दाने हमने निकाल लिए हैं ऑलमोस्ट। इसमें से कुछ पीसेस जो है ना वो हमें खड़ी रखनी होंगी, तो पूरा कट कर लेने के बाद में इस तरीके से हमें थोड़ा सा दानों को सेपरेट कर लेना है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा खड़ा चाहिए, अराउंड 1/4 कप। अगर आप बाज़ार से सिर्फ दाने ला रहे हैं तो भी आपको ना 1/4 कप इस तरीके से अलग जो है वो बाउल में रख देना होगा। बाकी के जो दाने होंगे उन्हें मैं इसी नाइफ से जो है ना फाइन फाइन सा चॉप कर लूँगी। आप चाहे तो मिक्सर जार में पल्स मोड पर इसको डाल करके फाइन जो है वो चॉप कर सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों कि इन्हें चॉप करना है, आपको इन्हें पेस्ट नहीं बनाना है, यानी कि ये जो दाने हैं ना इन्हें हमें कट कर देना है छोटे छोटे पीस में। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से हो जा रहे हैं, थोड़ा सा ये इधर उधर उड़ रहे हैं, तो मैं छोटे छोटे से अमाउंट में ले करके इन्हें कट कर लेती हूँ। तो ये देखिए ऑलमोस्ट हमारे डन हो गए हैं। मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ कि इसका जो साइज़ है, ये देखिए पेस्ट नहीं हुआ है, हमें इनको बस छोटा छोटा कर लेना है। चलिए ये रेडी हो गया है, अब हम इनको एक बड़े बाउल में डाल देते हैं। तो ये 1 कप है और जो दाने हैं वो है 1/4 कप। तो 1 कप हमने ये ले लिया और ये 1/4 कप हम खड़े डाल देते हैं इस टेक्स्चर के लिए। मैं कुछ वेजिटेबल यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, ये जो टोटली ऑप्शनल है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पत्ता गोभी लिया है, और प्याज तो आपको लेना ही है, लेकिन अगर आप पत्ता गोभी नहीं ले रहे हैं तो प्याज की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दीजिएगा। मैंने यहाँ पर हरी प्याज भी लिया है यानी स्प्रिंग ऑनियन, और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया कट करके लिया है, और 3 से 4 हरी मिर्च को फाइन चॉप करके मैंने ले लिया है। इसके अंदर आप कैरेट मत ऐड करिएगा, क्योंकि स्वीट कॉर्न भी मीठा होता है और कैरेट भी मीठा होता है, फिर ये बहुत ज़्यादा स्वीट जो है वो टेस्ट देंगे। खड़ा ज़ीरा हमने डाल दिया है ऐसे ही हाथों से अराउंड 1/2 टीस्पून, और अजवाइन डाल दिया है हमने 1/2 टीस्पून, और अभी डाल देते हैं धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। थोड़ा तीखा और चटपटा बनाइएगा, क्योंकि कॉर्न जो है वो थोड़ा सा मीठे होते हैं। तो हमने हल्दी पाउडर डाला और डाल दिया हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। अब सारी चीज़ों को हम पहले इस तरीके से मिला लेते हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं दोस्तों। आप बच्चों की टिफ़िन में भी इसको दे सकते हैं मिर्ची को कम करके। तो अब यहाँ पर हमने ये जो है डाल दिया है थोड़ा सा आमचूर पाउडर, क्योंकि स्वीटनेस को जो है ना ये बैलेंस करने के लिए। आप चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हो। 1/2 कप मैंने लिया था ये बेसन यानी कि चने का आटा, तो हमने पूरा नहीं डाला है, 2 टेबल स्पून अभी हमने बचा लिया है। इनको मिक्स करके हम ये देख लेते हैं कि क्या इसका टेक्सचर जो है राइट है। इसको ऐड करने से पहले मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून चावल का आटा। इससे जो है ना ये स्वीट कॉर्न फिटर जो है थोड़ा सा क्रिस्पी बनेंगे। बहुत सारे लोग इसके अंदर रवा यानी कि सूजी डालना पसंद करते हैं, सूजी से बेटर ये चावल का आटा आप 1 टेबल स्पून डालिए, इससे ये बहुत ही अच्छे जो है ना टेक्सचर में आ जाएंगे। तो ये मुझे पूरा लगने वाला है, क्योंकि ये अच्छे से बाइंड नहीं हो रहा है। तो आप 1/2 कप जो है बेसन ले लीजिए और 1 टेबल स्पून आपको चावल का आटा लगेगा। मुझे हरा धनिया थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए मैंने 1 टेबल स्पून हरा धनिया और ऐड कर दिया। ये मेरे पास में 1 क्यूब प्रोसेस चीज़ है, मैं इसको डालना चाह रही हूँ, ये टोटली ऑप्शनल है। इसके डालने से ये अपना जो फिटर है ना ये थोड़ा सा चीज़ी टेस्ट आपको देगा, अच्छा लगेगा। काफ़ी मतलब क्वांटिटी में हमारा ये फिटर है, तो ये 1 चीज़ का जो क्यूब है ना, इतने से इसका टेस्ट काफ़ी जो है ना वो बढ़ जाएगा। आपके पास है तो ऐड करिए, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। एक छोटा सा टुकड़ा मैंने ये जिंजर का लिया है, पूरा नहीं डालूंगी, बस इतना ही डालूंगी कि ये ग्रेट होने के बाद में अराउंड 1 टीस्पून बन जाए। तो चलिए हम अब इसको फटाफट से मिला लेते हैं। पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि ये खुद जो है ना पानी अपना रिलीज़ करते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने फिटर बना कर रेडी कर लेना है।
पैन में हम डाल देते हैं तेल 2 से 3 टेबल स्पून। अगर आपके पास में एयर फ्रायर है तो उसमें भी ये बड़े अच्छे हो जाएंगे। मेरे पास में नहीं है, लेकिन मैंने सोचा इसको अवन में बना दूँ, लेकिन हर किसी के पास अब अवन होता नहीं है। और ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, हर कोई इंजॉय कर ले अपने घर में बना करके, इसलिए मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल के साथ में इसको बनाने के लिए सोच लिया और आपको ये बनाकर मैं दिखा रही हूँ। तो 5 पीस हमने डाल दिया है और इनको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर आराम से होने दीजिएगा, क्योंकि हमने इनके अंदर कच्चा बेसन डाला है। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, ये बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही आराम से पक रहे थे। और अब हम इनको पलट करके देख लेते हैं कि ये कैसा है। ये देखिए कलर कितना अच्छा आया हुआ है और इसमें से खुशबू भी अच्छी आ रही है, यानी कि बेसन कच्चा नहीं है। दूसरे साइड से भी हमें इनको बिल्कुल आराम से 3 मिनट 4 मिनट जितना भी वक्त लगे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर होने दीजिए। अगर बेसन ज़रा भी कच्चा रहेगा ना तो फिर ये अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये लास्ट वाला जो है हमने एंड में डाला था, तो इसको हम बाद में जो है ना वो पलटेंगे। तो आराम से इनको हम होने देते हैं। अब हमने जो पहला वाला डाला था उसको हम निकाल लेते हैं दोस्तों, क्योंकि 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। तो पहले हम इनको पलट दें जो हमने लास्ट में डाला था, और अब हम यहाँ से निकालने की जो है वो तैयारी कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा हमारा ये स्वीट कॉर्न फिटर रेडी हो गया है, चीज़ी वाला। चलिए जी, अगर ये साइडों में आपको थोड़े से कच्चे लग रहे ना, तो इस तरीके से पैन में खड़ा करके आप इनको पका सकते हैं। वैसे मेरे कॉर्न जो है ये हर तरफ से रेडी हो चुके हैं। ये वाला देखिए मैं आपको बना करके मतलब करके दिखा रही हूँ। ये देखिए ऐसे आप खड़ा कर देंगे हर तरफ से, तो ये साइडों से भी पक जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, एकदम मज़ेदार स्वीट कॉर्न फिटर हमारा रेडी हो गया है। केचप के साथ में या फिर हरे धनिया के साथ में सर्व करिए। मुझे तो ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं, एकदम क्रिस्पी करारे मज़ेदार से हो गए हैं। मैं इनको प्लेन खाना पसंद करती हूँ। अगर आपको इनसे खाना है टमाटो केचप और हरी मिर्च की चटनी धनिया के साथ में, वो हमने रख दिया है। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।